हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल शिफ्ट्स वैल्यू फॉर कार्बन 13 एनएमआर। देखिए, इससे पहले हम केमिकल शिफ्ट्स वैल्यू प्रोटॉन एनएमआर के लिए देख चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो केमिकल शिफ्ट्स वैल्यू अपना क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पर अपना सिग्नल देते हैं। वैसे ही कार्बन 13 एनएमआर में भी दो डिफरेंट टाइप के आपके जो कार्बन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेल वैल्यू, दैट मीन्स केमिकल शिफ्ट्स वैल्यू के ऊपर क्या देते हैं, अपना वैल्यू देते हैं या सिग्नल्स देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, यहां भी आपका जो है रिफरेंस जो यूज में लिया जाता है कार्बन 13 एनएमआर में वो टीएमएस होता है। टीएमएस ही प्रोटॉन एनएमआर में एज रिफरेंस लिया जा रहा था। इसका डेल वैल्यू जो होता है पीपीएम में जीरो पर आता है। क्लियर है? और जनरली जैसे कि हम बात करते थे कि प्रोटॉन एनएमआर में आपका जो स्केल है उनको इंटरप्रिटेशन के लिए इजी होने के लिए 0 से 10 के बीच लिया जाता था, वैसे ही अगर मैं बात करूं कार्बन 13 एनएमआर में तो जनरली इसका जो स्केल का रेंज होता है 0 से 200 पीपीएम के बीच होता है। इससे आगे भी बढ़ जाता है, जैसे कि कीटोन होते हैं 200 से 220 के बीच अपना जो है डेल वैल्यू पर अपना सिग्नल्स देते हैं कीटोन वाले जो कार्बन 13 होता है, लेकिन जनरली इसको 0 से 200 के बीच रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया उसके कुछ स्केल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, क्या रेफरेंस होता है क्या है और ये जो कहाँ इनका रेंज होता है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कार्बन होते हैं उनके डिफरेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो डेल वैल्यू आता है उसको देखते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अपन एक तरफ क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका केमिकल शिफ्ट्स का वैल्यू, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रोटॉन बोलता हूँ, टाइप्स ऑफ कार्बन, और एक तरफ अपन देख लेते हैं डेल वैल्यू, केमिकल शिफ्ट्स का वैल्यू किसमें, पीपीएम में। अरे क्लियर है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सेम टाइप के जो प्रोटॉनिक कार्बन जो होते हैं उनको एक साइड पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट टाइप के जो होते हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे, मतलब इसे याद करने में आप क्या होगा, आसानी होगा। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टीएमएस इसका जो वैल्यू होता है 0 पे आता है। क्लियर है? ये हो गया एक आपका। अब बात करते हैं अगर RCH2 की, एक बार बात करते हैं RCH2 और ये लीजिए R, ये टर्शियरी हो गया। क्लियर? अब देखिए यहीं पर अपन क्या देख लेते हैं, COCH3। तो ध्यान देना भाई, ये अल्टीमेटली CH एल्काइल का ही तो देख रहा हूं, तो ध्यान देना इनका वैल्यू कहां होता है। तो जब ये प्राइमरी होगा, ये क्या है आपका प्राइमरी, प्राइमरी का वैल्यू जो होता है बहुत कम होता है, इसका डेल वैल्यू जो कि 10 से 15 के बीच होता है, ये लीजिए 10 से 15। तो अगर मैं इसको सेकेंडरी ले लूं तो सेकेंडरी का क्या होगा, तो ये होता है आपका 16 to 25, और ये हो जाएगा आपका 25 to 30। ये लीजिए, ये हो गए इसके डेल वैल्यू। तो अगर मैं ध्यान दूं तो जैसे जैसे हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन से, तो उनका डेल वैल्यू जो है बढ़ रहा है, और सीधी सी बात है कि डिसल्डिंग बढ़ेगा तो डेल वैल्यू भी बढ़ेगा। क्लियर है भाई? ठीक है, अब यही जो एल्काइल ग्रुप है CH3 है, अगर कीटोन से जुड़ा हुआ हो तो इसका डेल वैल्यू आता है 20 to 30 ppm के बीच में।
अरे क्लियर है क्या भाई? क्लियर है। तो ये हो गया देखिए एक टाइप का आपका क्या कार्बन, जैसे कि बात करूं प्राइमरी एल्काइल था, सेकेंडरी, टर्सरी और सीओ से जुड़ा हुआ अगर एल्काइल है तो इनके डेल वैल्यू। टुकड़े टुकड़े में आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। क्लियर है भाई? ठीक है। अब अगर हम बात करूं तो ध्यान देना, एक कंडीशन तो ऐसे भी आ सकता है कि ये जो हो R, ये लीजिए CH2 और ये NH2। यही अगर मैं बात करूं R CH2 OH भी तो हो सकता है। कहने का मतलब जिस कार्बन का मैं सिग्नल चेक कर रहा हूं वो कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो तो इनका जो डेल वैल्यू है वो आता है आपका 35 to 45 जब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो तो, और ये जो है 50 से 60 के बीच आता है जब कार्बन जो जिसका सिग्नल आप देख रहे हैं वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो। क्लियर है? अरे क्लियर है। इसका मतलब मैं क्या कर लेता हूं, सीधा याद कर लेता हूं, जैसे कि ये होगा X और ये जुड़ा हुआ है कार्बन से तो इसका डेल वैल्यू जो है आपको 35 से 60 के बीच में आएगा। X क्या हो सकता है? तो X बराबर हो सकता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये सब जब होंगे तो ये जो सिग्नल है डेल वैल्यू वो 35 से 60 के बीच आ सकता है। ठीक है भाई? थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना है, एकदम रिजिड नहीं होना है डेल वैल्यू के लिए। वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो अपना वैल्यू शो कर सकता है। क्लियर है? तो ये देखिए डिफरेंट टाइप के हो गए एक। अब अगर मैं बात करूं फर्दर तो अपन इसके बाद देखते हैं ट्रिपल बॉन्डेड वाले, जैसे कि ऐसा भी तो हो सकता है R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लीजिए। ठीक है। अरे एक कंडीशन तो ऐसा भी हो सकता है R C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी हो सकता है। तो देखिए इसके लिए जो वैल्यू है वो कैसे आता है, तो ये होता है आपका 70 to 90, ये लीजिए। और जब यही नाइट्रोजन हो जाएगा कार्बन से, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड ना हो करके कार्बन से नाइट्रोजन हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो होता है 75 to 91, 75 to 91 के बीच में आता है। अरे क्लियर है? तो कहने का मतलब मैं यहां पर ऐसे याद कर सकता हूं क्या कि अगर सी जो है ट्रिपल बॉन्डेड हो करके कार्बन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ये लीजिए कार्बन या नाइट्रोजन या ट्रिपल बॉन्डेड ले लो सीधा आप, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका डेल वैल्यू क्या हो जाएगा 70 to 91। अरे याद हो जाएगा। तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो गया। अब बात आती है डबल बॉन्ड वाले की, तो डबल बॉन्ड वाले के लिए भी क्या कंडीशन हो सकता है, तो या तो ये एसाइक्लिक हो सकते हैं या तो ये एरोमेटिक साइक्लिक हो सकते हैं। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये R CH डबल बॉन्ड CH2, वैसे ही ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये लीजिए। क्लियर है? एरोमेटिक हो गया भाई। अब यहां पर ध्यान देना इसका डेल वैल्यू क्या होता है और इसका डेल वैल्यू क्या होता है। यहां पर कहने का मतलब है डबल बॉन्डेड कैसा हो, या इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, डबल बॉन्डेड कैसा हो एरोमेटिक, तो इसका जो डेल वैल्यू है आपका ये होता है आपका 115 से 120, सॉरी 140 के बीच में, 140 के बीच में। वैसे ही अगर एरोमेटिक की बात करूं तो ये होता है आपका 120 से 155 के बीच में, 120 से 155 के बीच में। तो ये हो गया आपका डबल बॉन्डेड वाला भी। क्लियर है भाई? ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी सीओ डेरिवेटिव्स, दैट मींस कार्बोनिल और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनका वैल्यू। क्लियर है?
तो सबसे पहले इसको देखते हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि ये लीजिए एक्स जुड़ा हो यहां पर, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान देना, इस कार्बन की मैं क्या कर रहा हूं, सिग्नल चेक कर रहा हूं। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि R जो है, ये लीजिए ये CO जो देख रहा हूं वो H हो जाए, क्लियर है। और एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये R जो है दोनों तरफ हो जाए, दैट मींस ये हो गया आपका एल्डिहाइडिक, ये हो गया आपका कीटोनिक, और यहां पर X बराबर हो सकता है OH NH2 और आपका क्या हो सकता है OR। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड वाला CO हो सकता है, एमाइड वाला CO हो सकता है और एस्टर वाला CO हो सकता है। तो इनका जो वैल्यू है वो किनके किनके बीच आएगा, तो ये होता है आपका 165 to 185, अरे क्लियर है। उसके बाद अगर ये एल्डिहाइडिक हुआ तो ये हो जाएगा आपका 190 to 205, क्लियर है। और ये अगर वो आपका कीटोन हो गया तो ये हो जाएगा आपका 200 से 220 के आसपास, अरे क्लियर है, ठीक है भाई। तो देखिए ये कुछ आपके डेल वैल्यूज हैं। आपको याद कैसे रखने हैं कि यहां पर एक टाइप को आप एक जगह याद कर लो, दूसरे टाइप को फिर याद कर लो, फिर तीसरे टाइप, फिर चौथे टाइप, फिर पांचवे टाइप, ऐसे अगर याद करते हो तो आपका जो है डेल वैल्यू आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि बात करें कि अगर मेरा एल्काइल ग्रुप का जो है उनका डेल वैल्यू देखूं तो सीधे से बात है कि 10 से 30 के बीच। अब 10 से 30 के बीच तो कम किसका होगा और ज्यादा किसका होगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है हाई किसकी होगी, जब कार्बन सब्स्टिट्यूट हो, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कार्बन के द्वारा, तो वहां पर टर्सरी वाले की जो है डेल वैल्यू सेकेंडरी से ज्यादा होगी और सेकेंडरी की डेल वैल्यू प्राइमरी की ज्यादा होगी, क्लियर है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर ये कार्बन से ही तो जुड़ा हुआ है देख लो CO, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू जो है 20 से 30 के बीच हाई की तरफ आता है, क्योंकि इनमें जो है कुछ ना कुछ ये आपका रेजोनेंस भाग लेगा, कुछ पार्शली पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर ये जो है इधर को क्या करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा, इस कारण से थोड़ा बहुत डिसल्डिंग यहाँ भी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है 20 से 30 तक इसका वैल्यू जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका जब ये जो कार्बन जो एल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से जुड़ा हुआ हो, तो इस कंडीशन में आपका क्या वैल्यू आता है, तो ये होता है 35 से 60 के बीच। अब 35 किसके लिए होगा, तो कम जो नाइट्रोजन है उसके लिए, जिसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसके बाद ऑक्सीजन उससे ज्यादा, फिर आपके बाद आती है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ये भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आती है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का क्या होता है आपका 70 से 90 के बीच याद कर लो, ठीक है। कार्बन से जुड़ा होगा ट्रिपल बॉन्डेड तो कम वाला, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगा तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड में क्या हो जाएगा आपका एक एलिफेटिक वाला और एक एरोमेटिक वाला। एलिफेटिक वाले के लिए याद कर लेना कि 115 से 140 कम के तरफ, और ये जो थोड़े ज्यादा है वो किसके लिए, एरोमेटिक के लिए, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एल्डिहाइडिक होगा तो क्या होगा ये, और ये इनको तो याद रखना ही है क्योंकि सबसे ज्यादा आपके जो फंक्शनल ग्रुप आपके क्वेश्चन में दिखेंगे वो यही दिखते हैं, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, आपका जो है एसिड हो गया, एस्टर और एमाइड, ये सब ही दिखते हैं, ठीक है। 165 से 185 कम आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कम के लिए जो है वो किसके लिए है भैया, वो एस्टर एमाइड और एसिड के लिए, उसके बाद एल्डिहाइड के लिए उससे ज्यादा, और उसके बाद कीटोन के। तो क्यों ना हम यहाँ पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं। क्या लिख लेंगे आप, सबसे ज्यादा क्या होगा कीटोन का होगा, उससे कम आपका एल्डिहाइड, फिर एसिड डेरिवेटिव्स, उसके बाद आपका एरोमेटिक, फिर एलिफेटिक डबल बॉन्डेड। तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर एक एग्जांपल है मेरा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां पर मेरे को कार्बन 13 NMR में डेल वैल्यू में वेरिएशन देखना है कि किसके लिए ज्यादा होगा और किसके लिए कम होगा।
तो सपोज ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं C1 कार्बन बोलता हूं, या चलिए इसको मैं C1 लिख देता हूं और इसको C2 लिख देता हूं, ठीक है। दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहां पर कार्बन है। तो ध्यान देना यहां पर ये जो है X है, अब X के अकॉर्डिंग इनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा किनके लिए, डेल के वैल्यू के लिए। अब ध्यान देना क्या क्या इसके बीच लिए कंडीशन हो सकता है। तो देखिए, इफ एक्स इज प्लस आर डायरेक्टिव, और प्लस आर डायरेक्टिव मतलब एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके, OME हो जाएगा, OR दैट मींस OR ही है, ठीक है, NH2 हो जाएगा, ये लीजिए एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, प्लस आर डायरेक्टिव ग्रुप है। तो वैसे ही यहां पर इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस आर, क्या शो कर रहे हो, ये माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे हो, तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना प्लस आर के लिए, तो प्लस आर के लिए क्या होगा, अगर यहां पर मैं प्लस आर रखूंगा दैट मीन्स ये अपना लोन पेयर यहां देगा और यहां देगा, तो भाई ये जो है इधर आएगा, क्लियर है, और इधर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का C2 में क्या हो गया, बढ़ गया। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी के ऊपर बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं कि शील्डिंग जोन में जा रहा है, और शील्डिंग जोन में जाने का मतलब क्या होता है, डेल का वैल्यू डिक्रीज होता है, क्लियर है। जब मैं केमिकल शिफ्ट पढ़ा रहा था NMR में, प्रोटॉन NMR में, तो सबसे पहले यही चीजें बताई थी मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग में, क्लियर है। तो कहने का मतलब इस कंडीशन में आपका C2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी क्या, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके किस में ज्यादा होगी भाई, तो C2 में ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C1 से, क्लियर है, अरे क्लियर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल वैल्यू के, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 का कम होगा और C1 का डेल वैल्यू ज्यादा होगा, अरे क्लियर है, याद रखेंगे, ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, क्लियर है। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो कंडीशन बनाता हूं मैं, ध्यान दीजिए, यहां पर ये बोल रहा हूं कि इफ एक्स इज इक्वल टू COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप या COOR दैट मींस एस्टर ग्रुप, क्लियर है, अरे क्लियर है। वहीं पर एक माइनस आर डायरेक्टिंग ये भी लिख देते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू NO2 CN, ये सब ग्रुप भी क्या है आपके, ये सब ग्रुप भी माइनस आर डायरेक्टिंग ग्रुप है। और अगर मैं बात करूं तो ये COR, ये लीजिए, ये भी आपका क्या है, माइनस आर डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन इनको मैं अलग अलग इसलिए लिखा हूं, ध्यान दीजिए, तो देखिए अगर यहां पर मैं X माइनस आर COH और COR लिखता हूं, तो यहां पर ये जो आपका जो बॉन्ड जो इधर शिफ्ट हो रहा था, क्लियर है भाई, वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर, दैट मींस इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ी, C1 पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है किस पर ज्यादा है, C1 पर ज्यादा है, या आप ऐसे लिख देते हैं C2 में कम है, C1 में ज्यादा है, अरे ज्यादा है। तो डेल का ऑर्डर क्या होगा इसके लिए, तो डेल का ऑर्डर C2 में, देखो इसके रिपीट, C2 में ज्यादा होगा और C1 में कम होगा, अरे क्लियर है, ठीक है। लेकिन 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 जब X आपका नाइट्रो ग्रुप हो, CN ग्रुप हो, COR ग्रुप हो, तो इस कंडीशन में आपका डेल वैल्यू जो है C2 का कम होगा C1 से, दैट मीन्स C1 का ज्यादा है C2 से, जैसे इस कंडीशन में था वैसे ही इस कंडीशन में आ रहा है। होना ऐसे था माइनस आर डायरेक्टिंग था, तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C2 में ज्यादा होती है, ठीक है, सॉरी C2 में कम होती है, तो C2 का जो है डेल वैल्यू ज्यादा आना था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, कम आ गया। ये कहलाता है आपका एक्सेप्शनल केस, इसको आप याद रखेंगे, क्लियर है, ये हो जाएगा आपका एक्सेप्शनल केस। इनको तो आप डायरेक्टिंग इफेक्ट से आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है भाई।
अरे क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर पहले वाले में क्या आंसर होगा और दूसरे वाले में क्या आंसर होगा और थर्ड वाले में क्या आंसर होगा। क्वेश्चन बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल वैल्यू ऑफ कार्बन 13 एनएमआर। अभी हमने कार्बन 13 एनएमआर का पूरा चार्ट देखा है कि किसके लिए ज्यादा और किसके लिए कम होता है। तो सबसे पहले तो कौन कौन से सिग्नल्स देंगे वो आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद कौन ज्यादा डेल पर देगा और कौन कम डेल पर देगा ये पता होगा, तभी तो उनके बीच आप ऑर्डर दिखाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा वाला पहले होगा, दैट मीन्स कौन सा साइन लगेगा भाई, ये लीजिए यही साइन लगेगा, बिल्कुल यही लगेगा। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको ले लीजिए, ये मेरा एक सिग्नल देगा ए, ये मेरा दूसरा सिग्नल देगा बी, ये मेरा तीसरा सिग्नल देगा सी, और ये मेरा चौथा सिग्नल डी। जितने भी कार्बन होते हैं वही तो सिग्नल देंगे, बिल्कुल वही देंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन 13 एनएमआर का सिग्नल देख रहे हैं, ठीक है भाई, चार सिग्नल। अब यहां पर आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा में आएगा और कौन कम में आएगा। तो बताओ यहां पर सबसे ज्यादा किसका वैल्यू होता है, कीटोन का, और आपको कीटोन दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल ये देख लो कीटोन, और कीटोन का ही सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कीटोन के लिए, तो कौन से नंबर का कार्बन, सी, सबसे ज्यादा कौन होगा, सी। अब उसके बाद ध्यान दो कि देखो भैया ये CH3 है, ये भी CH2 है, मतलब एल्काइल है, ये भी एल्काइल है। अब यहां पर बात किया जाती है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो अब इसके बाद ध्यान दो, तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अरे क्लियर है। तो यहां पर ये वाला कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की हाई होती है, ये जो है कुछ डिसल्डिंग करेगा, तो ध्यान देना ये इसके ऊपर भी डिसल्डिंग कर सकता है, इसके ऊपर भी कर रहा है, तो कौन ज्यादा डिसल्डेड जोन में है। तो यहां पर ये कार्बन का ऑक्सीजन माइनस लेगा, तो यहां पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज भी बन सकता है कभी कभी, है ये जो होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, पार्सली चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कहने का मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ इसका जो है माइनस आई इफेक्ट या वर्क कर रहा है, आप ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई शो कर रहा है, तो ये भी कुछ डिसल्डिंग जोन में डालेगा। तो कहने का मतलब बी और ए में अगर मैं तुलना करूं तो बी का जो है ज्यादा होगा, उसके बाद ऑब्वियसली नंबर किसका लगेगा, सी ए सॉरी ए का, और उसके बाद डी का, अरे क्लियर है। ये हो गया आपका क्या। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं भाई, तो सेकंड में क्या होता है ध्यान देना, यहां पर अच्छा यहां पर डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है ये डबल बॉन्ड है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, एक तो ये सिग्नल देगा, दूसरा ये और तीसरा ये, अब किसका डेल वैल्यू ज्यादा होगा, क्लियर है भाई, ठीक है। तो बताइए यहां पर COOH का सबसे ज्यादा होगा क्या, CO ग्रुप है, कीटोन, उसके बाद एल्डिहाइड, उससे कम किसका होता है, कार्बोक्सिलिक का, भी जो चार्ट में पढ़े, तो सी का तो सबसे ज्यादा होगा, क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद ये आती है कि यहां मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि बी और ए, तो ये डबल बॉन्ड है क्या, अरे जब डबल बॉन्ड है तो क्या ये वाला कंडीशन शो कर रहा है, और जब ये वाला कंडीशन शो कर रहा है तो इसमें भी कौन सा, ये लीजिए COH वाला, तो यहां पर इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, जब COH ग्रुप रहता है इस कंडीशन में तो वहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और ज्यादा होती है, तो इसका जो है माइनस आर इफेक्ट के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी दैट मीन्स उसका डेल वैल्यू बढ़ जाएगा, इसलिए इसका नंबर ए का लगेगा, फिर क्या लगेगा आपका, बी का लगेगा। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड नंबर का जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को देंगे। अब इसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल, तो इसके लिए पहले ये देखते हैं कि कौन जो है सबसे कितने सिग्नल देंगे, ये ए हो गया आपका, एक सिग्नल एमी के कारण, ये बी के कारण, क्योंकि प्लेन लग रहा है क्या भाई, ऑब्वियसली बिल्कुल प्लेन लग रहा है, ये बी हो गया, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपके डी, और ये ई, कितने सिग्नल्स, 1 2 3 4 5, पांच आपको कार्बन 13 एनएमआर के सिग्नल्स मिलेंगे। अब बात आती है यहां पर कि इसके लिए जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल वैल्यू क्या हुआ, तो ध्यान देना आप यहां पर NO2 जो है वो क्या इफेक्ट शो कर रहा है,
एनओ टू क्या इफेक्ट शो कर रहा है भाई, बिल्कुल बताइए, माइनस आर। और माइनस आर के कारण यहाँ पर ये जो है आर्थो पोजिशन पर पार्सली पॉजिटिव लाएगा और पैरा पोजिशन पर भी पार्सली पॉजिटिव लाएगा। तो आर्थो और पैरा दोनों पर ही क्या हो रहा है आपका यहाँ पर पार्सली पार्सल जो आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो डिसील्डिंग जोन पर आ रहे हैं ये बिल्कुल। अब यहाँ पर आपका जो है ऑर्डर क्या होता है, ये बी वाले का सबसे ज्यादा हो जाता है डेल वैल्यू, क्लियर है भाई। अब उसके बाद ध्यान देना, ये बी वाले का सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर वर्क करता है इप्सो इफेक्ट। इप्सो इफेक्ट, इप्सो इफेक्ट के कारण यहां पर बी वाला जो है दैट मीन्स ओएमई से जो पैरा पोजिशन पर नाइट्रोजन जो जुड़ा हुआ है कार्बन है वहां पर सबसे ज्यादा डिसील्डिंग जोन पड़ता है और उसके लिए जो है सबसे ज्यादा वैल्यू डेल का आता है। उसके बाद नंबर लगता है किसका भाई, इप्सो इफेक्ट, सॉरी कौन है, ई। उसके बाद देखो अगर मैं इप्सो इफेक्ट के को हटाऊं तो ये भी इप्सो इफेक्ट, यहां भी इप्सो इफेक्ट, इप्सो इफेक्ट को हटा दें तो उसके बाद नंबर लगता है यहां पर क्या चल रहा है भैया आपका, पार्शियल चार्ज पड़ेगा पॉजिटिव का, तो उसके बाद नंबर लगेगा डी का। उसके बाद ऑब्वियसली ये डबल बॉन्डेड है ये ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्डेड एरोमेटिक का क्या होता है ज्यादा होता है, तो ये सी का नंबर, फिर लास्ट में लगेगा ए का नंबर। अरे क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन चीजों को अच्छे से नोट्स में बना सकते हैं, क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखिए ये हो बात हो गई इप्सो इफेक्ट, अब यहां पर एक चीज आता है आपका इप्सो इफेक्ट। अब उसको पढ़ने के लिए मैं इन चीजों को मिटा देता हूं ताकि आपको इप्सो इफेक्ट को अच्छे से समझा सकूं। देखिए इप्सो इफेक्ट क्या होता है, अगर ये लीजिए ये एरोमेटिक रिंग से अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड जुड़ा हुआ है तो ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं इप्सो पोजिशन, ठीक है। और इप्सो पोजिशन के लिए आपका बोला जाता है कि वहां पर इप्सो इफेक्ट सो होता है, और ये जो डेल इप्सो इफेक्ट के कारण, इप्सो इफेक्ट के कारण जो डेल इप्सो पोजिशन होता है उसका वैल्यू जो होता है 128.5 इंटू इप्सो इफेक्ट प्लस सॉरी इनटू समेशन ऑफ जेड आई, क्लियर है। यहां पर ये इनटू नहीं होता, ये प्लस होता है। अब यहां पर ये जो समेशन ऑफ जेड आई है ये एक इग्नोरेबल टर्म है, इसका वैल्यू बहुत कम आता है इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है। दैट मीन्स इप्सो इफेक्ट के कारण हमेशा जो है इप्सो पोजिशन पर जो डेल होगा उसका वैल्यू जो है अदर पोजीशंस के रेस्पेक्ट में जो कार्बन होंगे उनका वैल्यू जो है इप्सो पोजीशन के लिए ज्यादा आएगा, ठीक है। अब देखिए ये बात हो गई इप्सो के लिए, अब इप्सो इफेक्ट का ऑर्डर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे क्योंकि इस एग्जांपल में एनओ टू भी है और ओएमए भी है, तो किसका जो है इस इप्सो इफेक्ट ज्यादा होगा। तो यहां पर एक ऑर्डर है, जैसे कि बात करूं मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इप्सो इफेक्ट, ये क्या है भाई, तो ध्यान दीजिए इसके लिए जो डेल का वैल्यू होता है डेल इप्सो वो फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आपका ओएमए, उसके बाद ओएच, ओएसी, फिर बाद आता है आपका एनएच टू ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप, ये जो होते हैं यहाँ पर आपके सॉरी क्या होते हैं उसका डेल का वैल्यू डेल इप्सो का वैल्यू आता है, जैसे कि ये हो जाएगा आपका नाइट्रो और उसके बाद एनएच टू। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो है इप्सो इफेक्ट क्या होता है, तो ये होता है अराउंड 35.5 के बीच, 35.5 के बीच, और ये होता है आपका 31.5 के बीच इस तरह से, और इसका जो वैल्यू होता है 20 के आसपास होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो ओएमई का जो डेल का इफेक्ट है
इप्सो इफेक्ट है, उसके लिए डेल का वैल्यू ज्यादा आएगा एन ओ टू की तुलना में, इसलिए बी का ज्यादा और ई का उससे कम। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका इप्सो इफेक्ट का ऑर्डर। लेकिन 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 अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या हो गया, ये लीजिए, अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो एक एसिटिलीन हो, दैट मीन सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच हो, या सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो, तो उस कंडीशन पर ये जो आपका इप्सो पोजीशन है इसका डेल वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये डेल वैल्यू डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपका ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसके ट्रिपल बॉन्ड के कारण जो आपका शील्डिंग और डिसील्डिंग जोन में जोन क्रिएट होता है उसमें ये कार्बन जो है इप्सो कार्बन प्रेजेंट इन शील्डिंग जोन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड का शील्डिंग जोन होता है उसमें आ जाता है, और शील्डिंग जोन में आने के कारण जो है उसका डेल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके कारण यहां पर आप ध्यान रखेंगे जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ हो सब्स्टिट्यूट के रूप में एरोमेटिक रिंग में, तो वहां पर उसके लिए जो डेल वैल्यू है वो बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। क्लियर है? तो ये हो गए आपके कार्बन 13 एनएमआर के लिए जो केमिकल शिफ्ट्स के वैल्यू, उनके एग्जांपल्स और इप्सो इफेक्ट को कारण जो इनमें वेरिएशन आता है डेल वैल्यू में, उनकी बात। क्लियर है? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।